नमस्कार, सीसीएल के D20 सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गणेश याग और आज हम ये जियोडेसिक लैंप बनाएंगे। इसको बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेम्पलेट को डाउनलोड करें और चार्ट पेपर पर चिपका कर काट लें। ऐसा करने से हमें दो अलग अलग लेंथ की स्ट्रिप्स मिलेगी जिसको हमने ए और बी नाम दिया है। सबसे पहले हम 5 ए वाली स्ट्रिप्स को उठाएंगे और उसके एंड्स को विपरीत दिशा में मोड़ देंगे तो हमें जेड आकार की शेप मिलेगी। अब ऐसी 5 स्ट्रिप्स को हम आपस में जोड़ देंगे। अब एक एक खुले सिरों पर हम बी स्ट्रिप्स को लगा देंगे। ऐसी 5 बी स्ट्रिप्स को लगाने पर हमें एक पेंटागन मिल जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इस पेंटागन में अंदर की ओर ए स्ट्रिप्स है और बाहर की ओर बी स्ट्रिप्स है, और इस तरीके से हमें 12 पेंटागन बनाने हैं। अब हम इन 3 पेंटागन की बी स्ट्रिप्स को इस प्रकार जोड़ें कि बीच में ट्रायंगल मिले, और ऐसा करके हमने 6 पेंटागन से ये आधा डोम बना दिया। ऐसे ही बाकी बचे 6 पेंटागन से हमने एक दूसरा डोम भी बना दिया। तो अब इन आधे डोम्स को जोड़ने पर हमें ये पूरा लैंप मिल जाता है। इसे 2V जियोडेसिक बॉल बोलते हैं। इसमें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन दिखते हैं। ये बॉल हमें इस आइकोसाहेड्रॉन से मिली है। इसके हर ट्रायंगल की साइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे हमें 4 छोटे ट्रायंगल मिल जाते हैं। इन ट्रायंगल्स के वर्टेक्स को अगर हम एक स्फीयर पर टच कर दें तो हमें ये 2 फ्रिक्वेंसी जियोडेसिक बॉल मिलेगी। ऐसे ही इन आइकोसाहेड्रॉन के ट्रायंगल्स की साइड्स को अलग अलग भागों में बांटे तो हमें 2V, 3V, 4V, 5V, 6V अलग अलग प्रकार की जियोडेसिक बॉल मिलती है। इतना ही नहीं, हमने अलग अलग मटेरियल्स का यूज करके 10 फीट की जियोडेसिक बॉल बनाई है। ऐसे ही हम जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतनी ही गोल बॉल मिलती जाएगी। और आप भी इस जियोडेसिक बॉल में लाइट लगाकर इसको जियो डिस्को बॉल बनाएं और अपने घरों को सजाएं। हैप्पी दिवाली।